असलकम वरमत लि वरक हूँ वेलकम टू आर हिंदी क्लास तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, जो नई मात्रा सीखने वाले हैं, वो है ऊ की मात्रा इसे कहते हैं छोटी ऊ की मात्रा या पहली ऊ की मात्रा पर उससे पहले हमने जो इससे पहले पढ़ा था आ की मात्रा छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा तो आपके बुक में पेज नंबर फोर्टी फाइव पर आपको इसका छोटा सा रिवीजन दिया गया है आ की मात्रा पहली की मात्रा और दूसरी की मात्रा की एक छोटी सी कविता दी गई है तो ये आपको पढ़ना है और इससे संबंधित आपको कुछ वाक्य पूरे करो दिए गए हैं तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है दिस इज योर होमवर्क ओके ये कविता आप लोगों को पढ़नी है और ये वाक्य पूरे करने हैं तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है इसे कहते हैं पहली ऊ की मात्रा या छोटी ऊ की मात्रा क्या कहते हैं पहली ऊ की मात्रा या छोटी ऊ की मात्रा तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ऊ की मात्रा तो यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा के को मिलाने के बाद शब्द किस तरीके से बनते हैं प की मात्रा ल तो कैसा शब्द कैसे पढ़ेंगे आप उसे प को ऊ की मात्रा पु और ल पुल कौन सा शब्द बना पुल क छ, मात्रा अ आ की मात्रा अब इन सबको मिलाकर पढ़ेंगे क छ को की मात्रा छू अ को आ की मात्रा आ कछु आ कछुआ कछु, उसके बाद ग उ की मात्रा ल को आ की मात्रा ला और ब कौन सा शब्द बना ग को ऊ की मात्रा गु ल को आ की मात्रा ला गुलाब और ब कौन सा शब्द बना गुलाब तो आज हमने क्या पढ़ी ऊ की मात्रा पहली ऊ की मात्रा या छोटी ऊ की मात्रा इसी से संबंधित आपको यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है एक थी एक थी चुनमुन बड़ी सयानी चुनमुन झूला झूल रही थी गुड़िया संग झूम रही थी गुड़िया गिरी चुनमुन हुई उदास चूहा फुदक कर आया पास झट से गुड़िया ली उठा गुड़िया पकड़ चहकी चुनमुन चूहा भी नाच दिखाए फुदक कर तो ये कविता आप लोगों ने पढ़नी है और इसे याद करना है उसके बाद पेज नंबर फोर्टी एट यहाँ पर आप लोगों को कविता में आए उ सिर्फ आप पहली उ की मात्रा के शब्दों को यहाँ पर आप लिखेंगे ये कविता में आप लोगों को जो भी पहली उ की मात्रा के शब्द हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसे ये चुन मुन ये पहली उ की मात्रा के शब्द हो गए गुड़िया की मात्रा है गो को पहली उ की मात्रा है फुदककर फ को पहली की मात्रा है तो ये शब्द आप कहाँ पर लिखोगे यहां पर उसके बाद पेज नंबर फोर्टी नाइन पर शब्दों को शब्दों का उ की मात्रा से मिलान कीजिए यहां पर आप लोगों को पहली उ की मात्रा वाले शब्दों से उ को मिलाना है फॉर एक्ज़ाम्पल बताया है यहाँ पर जामुन उसके बाद आएगा चूहिया साबुन गुलाल तो आप लोगों को ये छोटी ऊ की मात्रा से छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाना है दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर फिफ्टी वन पर आप लोगों को ब और उसके साथ ऊ की मात्रा दी गई है तो आप लोगों को ये एरो से शब्द बनाने हैं यानी ब को ऊ की मात्रा बू और न को ऊ की मात्रा बू ड को पहले की मात्रा री य को आ की मात्रा या बुढ़िया ब को की मात्रा बू ल को की मात्रा बू ल बुलबुल बको की मात्रा बू ल की मात्रा ला न को की मात्रा ना बू ला ना तो ऐसे आप लोगों को ये जो सर्कल में आप बा, बादल में आपको जो बको की मात्रा वाला शब्द दिया है उससे आप लोगों को वर्ड बनाने हैं ये जो अक्षर दिया गया है उससे आप लोगों को ये चार अलग अलग शब्द बना के यहाँ पर लिखना है दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क ओके तो बच्चों आप लोगों को की मात्रा समझ में आई आप लोगों को जो मैंने कविता पढ़ाई है वो कविता आप लोगों को याद करनी है ओके okay? इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वबरक